दोस्तों सुंदरगढ़ की टीम एक गोल कर चुकी है, लेकिन अब तो मुझे लगता है लगभग 5-6 मिनट का समय बचा हुआ है, लास्ट मिनट तक वेट करें। दिल कह रहा है कि कुनकुरी जीते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्तों शर्मा है। आज आपको जैसे छोटा मोटा ब्लॉग बना देता हूँ, तो आज स्पेशली आ गया हूँ दोस्तों फिर से खेल मैदान में। कुनकुरी का खेल मैदान में चल रहा है टूर्नामेंट और मैं आपको उसी को दिखाने वाला हूँ। और मुझे लगता है आज सेमीफाइनल का दूसरा मैच होने वाला है, तो उसी चीज़ को दिखाऊंगा। और मेरे बिना आप लोग रेड देखते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी खेल मैदान के पास ही, क्योंकि यहीं से जाने वाला हूँ खेल मैदान की ओर। तो ये देखिए खेल मैदान को कितना खूबसूरत सजाया गया है, क्योंकि आज मुझे लगता है सेकंड सेमीफाइनल है। तो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि आज ऐसा सिचुएशन को भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। रोज़ दिन तो ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ, तो आज स्पेशली दिखाऊँगा। और मैं मिलाऊँगा आपको दोस्तों संदीप भैया से, और संदीप भैया से जानकारी दिलाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सा मैच खेल रहे हैं और कौन कौन सी टीम है, ये सारी चीज़ के बारे में बताएंगे संदीप भैया। तो बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए। ये है दोस्तों स्पेशल वाला, देखिए बॉल में डालने वाला पंप जो बहुत छोटा है, मुझे लगता है पॉकेट पंप है ये, देखिए डालने के लिए। और ये स्पेशली मुझे लगता है कि फुटबॉल में ही डालने के लिए बना हुआ है ना, स्पेशली फुटबॉल के लिए। निविया कंपनी का है निविया। आज की मैच के बारे में जानते हैं दोस्तों संदीप भैया से, तो संदीप भैया आज की मैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सबसे पहले दशरथ भाई आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू भैया, हार्दिक अभिनंदन है। और एक आज बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेंगे, सेमीफाइनल का दूसरा मैच आज कुनकुरी वर्सेस सुंदरगढ़ के बीच बेहतरीन मैच होने की उम्मीद। और दर्शक क्राउड काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। बी पुल से कुचिंडा उड़ीसा की टीम फाइनल में अपनी जगह बना ली है, और आज जो है सेमीफाइनल का दूसरा मैच, और इसमें जो टीम मैच जीतेगी वो फाइनल का जो मुकाबला होगा कुचिंडा के विरुद्ध में उन्हें खेलने का मौका 5 तारीख को मिलेगा। दशरथ जी थैंक यू भैया। हमारे कुनकुरी के टीम मेंबर देखिए दोस्तों चेकिंग कराते हुए, हमारे ये रेफरी गार्ड इनसे चेकिंग करा रहे हैं। इधर दोस्तों सुंदरगढ़ की टीम को चेकिंग करते हुए देखिए हमारे मुकेश सर। हमारे अतिथि दोस्तों आज के इन प्लेयरों के साथ हमारे खिलाड़ी अपने अपना परिचय कराने आ रहे हैं, परिचय देंगे हमारे अतिथियों का। आज काफी हमारे बीच हमारी बहनें हमारी माताएं थी इस मुकाबले को देखने के उत्साहित, और काफी मजा आने वाला है इस मुकाबला। मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी दो बार अतिथियों से मिला और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि फरसाबहार तहसीलदार साहब और अध्यक्षता कर रहे हमारे राजघराने के यश प्रताप सिंह विदेव जी, खिलाड़ी परिचय देते हुए हमारे अतिथियों का और हमारे बीच हमारे समिति के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री ये स्पेशल फोटो देखिए उपाध्यक्ष श्री राकेश देवगन जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मंच में। यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है रेफरी लोग का स्पेशल एडवाइस टीम मेंबर को दोनों का हमारे विदेशल खेल मैदान कुनकुरी में वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। तो चलते हैं दोस्तों और मैच दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत बेहतरीन तरीके से भीड़ है दोस्तों, देखिए आज सेमीफाइनल का मुकाबला है ना,
तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब क्या होता है, क्या नहीं होता, सारे कुछ देखेंगे। सुंदरगढ़ टीम पहली गोल कर पाती है या कुनकुरी की टीम पहली गोल कर पाती है, देखते हैं। मेरे देखते रहिए। और एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देर दराज से हुए। दर्शकों को मैं पूरा बता देना चाहूंगा जो पीली जर्सी में है वो है सुंदरगढ़ फुटबॉल क्लब की टीम। इस मुकाम पे पहुंचे और दूसरा चीज कि जो कुनकुरी का आज यहाँ पे मैं भीड़ देख रहा हूँ इस फुटबॉल मैच के लिए, ये देख के मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, एक बड़ा गर्व भी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब पहले यहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ करता था जशपुर जिले पे, जब वो भी एक मैच हुआ करता था देखने लायक, और आज एक बार फिर से मेरे को वही जोश और उत्साह दिख रहा है यहाँ पे। टीम पहला गोल कर रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल किया अट्ठा भाई, और मैं अट्ठा भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कुनकुरी की टीम मुझे लगता है मारते गोल और बहुत ही खुशी हो रही है। क्यों भैया अपने कुनकुरी मारा तो अच्छा लग रहा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। शॉट आउट करने के लिए मौका मिला दोस्तों, देखिए अब क्या होती है। ओ हो 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 डिफेंस देखने को मिली फुटबॉल खेल करके दिखाया है और अच्छा जाता है। अगर आप फुटबॉल का खेल देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में कोई भी टीम कोशिश करती है सामने वाली टीम के ऊपर एक गोल दाग करके जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है, काफी अच्छा मौका बनाते हुए। बट अभी भी मौका बना हुआ है कुनकुरी की, फाउल है और ये अच्छा मौका था यहाँ पर कुनकुरी के लिए और गोल दागने का। निश्चितता को अपने खेल से दर्शकों का मन मोह लिया है, बढ़त बनाई हुई है कुनकुरी की टीम और एक अच्छा बात चला दोस्तों गोली अच्छा लगता है। नीतीश बड़ी अरसों बाद हम देख रहे हैं हमारे लोकल कुनकुरी की टीम आज इस बड़े मुकाबले में बड़े प्रतियोगिता में सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रही है। थोड़ा सा मैं खेल पर चला जाऊं यहां पर चांस बनाता हुआ कुनकुरी काफी अच्छा शूट किया लेकिन काफी अच्छा वहां पर डिफेंस रक्षापत्ति मौजूद थी। सुंदर मुकाबले में लेकिन दूसरा गोल डालने की कोशिश जो कर अरे बाप रे भयानक कंडीशन है बाबा बच गया। ये रहा बेहतरीन तरीके से टर्मिनेट करते हुए बोल, थोड़ा इंग्लिश भी कहता ना अच्छा लगता है। पर दोस्तों लगता है हाफ टाइम हो चुका है और अब इधर का टाइम इधर का टाइम इधर होगा, अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी तो देखने ही केवल रह गया है। देखते हैं क्या होता है टीम में, क्योंकि तो एक गोल की बढ़त पे है कुनकुरी की टीम, बने रेबिट में और देखते रहिए। पूरी तरह से भीड़ है दोस्तों मैच का मैदान, बोले तो ये मैदान जो है ना खचाखच भीड़ है, देखिए बहुत ही तरीके से भीड़ है और ऐसे ही भीड़ मुझे लगता है आजकल सेमीफाइनल और जो महिला टीम हुई थी उस समय ऐसे भीड़ हुआ था और उसी कदर भीड़ हुआ है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही मजा आ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन हम लोग हैं भलाटी पाते हैं टोली पंचायत, ये है संजय का भाई और आप कौन है? मैं धर्म कुमार भगवान। चलो ठीक है। कुनकुरी का मैंने प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगा मेरे को, प्रॉब्लम की बहुत प्रतियोगिता प्रतियोगिता ने बहुत अच्छा लगा। दोस्तों पूरा खच्चा खच भीड़ है, देखिए ये रहा
स्टेशन। और मैं आप लोग को मेडिकल टीम से मिलाना चाहूँगा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से सर्विस देती है हम लोग को मेडिकल टीम की। और भाई कैसे मेरे वीडियो देखते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई। और मुझे स्पेशली एक भैया बोलते हैं कि मिलाना मेरे को, हाँ लो बोल दिए थोड़ा सा, थैंक यू भैया। और ये देखिए आज के दर्शक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आया हुआ है और खचाखच भीड़ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है कि आज का मैच देखने के लिए। अब देखते हैं कि अगर जो टीम आई हुई है ना हमारी मेहमान टीम, वो अगर गोल कर पाती तो और मजा आ जाएगा, बराबरी होगा तो उसके बाद मुझे लगता है तो और मजा आएगा, क्योंकि अभी एक गोल खेल एक तरफा टच होगा, बराबरी करेगा और मजा आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पास चाय वगैरह सॉफ्ट किया जा रहा है हमारे रेफरी महोदय को। राजा साहब स्पेशल फाइट लेते हुए देखिए रफी महोदय लोग से, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मेरे को आना था, हम लोग का परिवार है पूरा जशपुर, हम लोग का परिवार है और हम लोग का जशपुर का कुंकुरे की टीम बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता है, थैंक यू भैया। चाय भी थोड़ा सोच लेकिन गर्मा गर्म है इतना कि क्या बोलो। हमारे राजा साहब मिलते हुए देखिए महादेव खा लो दोस्तों, माइक संचालित करते हैं जो मुझे हमें लगता है कि टोटली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और इस विषय में हमारे जो मैच हो रहा है उसके विषय में थोड़ा सा बोल दिए भैया। बहुत अच्छा मैच रहा है और मैंने जितने भी मैचेस कवर किए हैं बहुत अच्छा लगा है, मतलब मुझे लगता है कि कुनकुरी का खेल में जो स्तर था वो काफ़ी सुधरा है, फुटबॉल में भी जैसे इस एरिया में हॉकी बहुत अच्छे माना जाता था लेकिन इस एरिया में फुटबॉल से भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे और इंडिया के लिए एक टाइम पे खेलेंगे। थैंक यू नुसरत। यहाँ पर सियारत तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, ये देखिए बहुत नुसरत। हाफ टाइम दोस्तों फाइनली खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं देखिए हमारे रेफरी गार्ड मैदान के अंदर में और खिलाड़ी गार्ड भी जा रहे हैं और मुझे लगता है हमारे कुनकुरी की टीम भी जा रही है। देखते हैं अभी हाफ टाइम के बाद क्या होता है मैच का रिजल्ट, क्योंकि अगर अभी हमारे सुंदरगढ़ के टीम के मेंबर अगर गोल करवाती है तो मुझे लगता है कि मैच एक तरफा हो जाएगा, एक तरफा नहीं बहुत ही मजेदार हो जाएगा, क्योंकि वही चीज का दरकार है एक गोल करे। और और आज का क्राउड मुझे लगता है दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से है, देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे तरीके से भरा हुआ है और मुझे लगता है अगर ड्रॉ कर पाती है तो मुझे लगता है ये प्रतियोगिता तगड़ा होने वाला है। तो देखते हैं हमारे सुंदरगढ़ की टीम अगर बराबरी कर देती है तो मुकाबला मुझे लगता है देखने लायक रह जाएगा। बहुत ही अच्छा डिफेंस में कहा गोलकीपर का, बहुत ही अनुभवी गोलकीपर में ऐसा लगता है कंपनी के फुटबॉल टीम के गोलकीपर काफी चुस्त रहते हैं। नीतीश स्वागत है फिर से एक बार आपका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए नीतीश शर्मा। धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक श्री संजय मोरे जी, आपकी सुंदर और मीठी आवाज सुन पा रहे थे कुंकुरु वासी फुटबॉल प्रेमी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ सीखे हुए को आपसे सीखा हुआ कुछ को कोशिश करूंगा मैं बताने की। फिलहाल दोस्तों 25 मिनट का खेल बचा हुआ है और 25 मिनट में अगर सुंदरगढ़ की टीम गोल कर पाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है आज का मैच भी एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि आज का मुझे लगता है कि एक तरफा मैच देखने को मिल रहा है। दोनों टीम अगर गोल कर पाती है तो बहुत ही मजा आता है लेकिन वो उस चीज़ नहीं हो पा रहा है। सुंदरगढ़ की टीम अगर कर पाती है तो बहुत अच्छा है कि गोल कर पाएगी लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर पाएगी और 25 मिनट का खेल बचा हुआ है तो देखते हैं क्या कर पाती है। और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था इसलिए क्योंकि ड्रोन उड़ा रहा था, तो फिलहाल दिखाता हूँ आप लोग को मैच।
लेकिन आज स्ट्रगल करती हुई मैं कहूंगा एक गोल की ओर प्रयास के लिए। अरे वाह खाने दोस्तों दूसरी गोल कुरकुरी की टीम करते हुए। फाइनली दोस्तों दूसरा गोल कर चुका है कुनकुरी की टीम और बहुत ही मजेदार के तरह खेल रहा है कुनकुरी। सुंदरगढ़ की टीम तो मुझे नहीं लगता है कि गोल कर पाएगी, दो गोल बहुत ज़्यादा होता है। अब गोल कर पाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है 10 या 15 मिनट का समय बचा हुआ, और इस 10 या 15 मिनट के समय में गोल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं, वीडियो बने रहे हो, देखते रहिए। फाइनल दोस्तों सुंदरगढ़ की टीम एक गोल कर चुकी है, लेकिन अब तो मुझे लगता है लगभग 5-6 मिनट का समय बचा हुआ है, लास्ट मिनट तक वेट करें। दिल कह रहा है कि कुनकुरी जीते, मुझे वैसे लग रहा है क्योंकि जो खेल भावनाएं है ना कुनकुरी की टीम की बहुत ही तड़ा है, और उसी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुनकुरी अभी तक विन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखते हैं खेल तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, वो सारी चीज़ को देखेंगे। ये हमारे देखिए डबल भाई मैच का देखो आंखों देखा हाल बताइए भैया। काफी टेंशन का मैच सुंदरगढ़ और हमारी जो बड़ा मुकाबला फिलहाल दोस्तों दिखाता हूँ, देखिए मैच को। मुझे लगता है दोस्तों फाइनली खत्म हो चुका है और आज की विजेता रही है कुनकुरी की टीम, जो 2-1 की बढ़त पे है, एक गोल के आगे है। तो फिलहाल बने रहिए मार देते रहिए दोस्तों, फाइनली गोल करके कंप्लीट। अरे हमारे आगे हैं और मुझे लगता है कि आज की विजेता रही है कुनकुरी। हाँ भैया कैसे लगा भैया? हाँ बताइए, आपको तो पहले थैंक्स बोलना चाहिए, बहुत 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 बेहतरीन लगा भैया। और देखिए दोस्तों पूरा खचाखच भीड़ है कुनकुरी खेल मैदान का। कौन सा टीम? कुनकुरी। अच्छा ठीक है ना, और मुझे लगता है दोस्तों आप लोग को अट्ठा भाई और जो गोल मारते थे उनसे मिलाता हूँ। ये हमारा अट्ठा भाई जो सबसे पहला गोल किए थे, भैया कैसा लग रहा है आपको गोल करके पहला गोल किए थे? बहुत खुशी महसूस हो रही है और क्या बताऊंगा, टीम को कॉम्बिनेशन। और एक और गोल किए थे, कौन किए थे? सतीश भैया। तो मैं दोस्तों आप लोगों को 37 BST में मिलाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, किसका नाम? सतीश। तो ये है भैया दोस्तों दूसरा गोल करने वाला, तो अभी आप कैसे फील कर रहे भैया अपने टीम के लिए दो गोल दागने के बाद कैसे फील कर रहे? थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, टीम के लिए गोल किया मैं, सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा खेला। और सतीश फाइनल के लिए भी अच्छा तैयारी करेंगे और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। फाइनल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भैया, ताकि आप लोग अच्छे से खेलिए और फाइनल भी जीतिए, क्योंकि मुझे लगता है विदेशी लोगों को बधाई अपने हिसाब से। और वहाँ पर मिलेगा संदीप भैया आज की जीत के बारे में कुछ बताइए। ये दशरथ आज मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा मैच खेला, लेकिन कुनकुरी की टीम मैं सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मैं प्रॉपर कुनकुरी का हूँ, और मैं कुनकुरी की टीम के सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और फाइनल मैच हम देखते हैं कुनकुरी वर्सेस बठिंडा के बीच, बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेंगे। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि विदेशी खिलाड़ी को हम परस्त जरूर करेंगे। जरूर भैया, जरूर जरूर, क्योंकि वही उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि वहाँ पर इनाम बटेगा, उस चीज को दिखा दो। और मुझे लगता है हमारे कुनकुरी की टीम जीत गई, कैसे लग रहा है? कुनकुरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और अब फाइनल का मुकाबला एक अलग तरह होगा, मेजबान भारत उड़ीसा। थैंक यू भैया, ये मैच देखने के लिए बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा भैया। तो चलते हैं दोस्तों, और मैं आप लोग को वहाँ पर जो इनाम मिलेगा उस भाई कुछ नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, कैसा लग रहा है भैया? कुनकुरी जीत गया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। तो फिलहाल मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आपको प्राइज जहाँ पर मिलेगा उस चीज को दिखाता हूँ। और सेकंड गोल दागने पर हमारे युवराज
यश प्रताप सिंह चितो जी। फुटबॉल क्लब छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से मैं कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि फिर से 4,000 रुपए की ये इनामी राशि, प्रोत्साहन राशि बसंत बेग जी की ओर से एक हैंडसम प्राइज देता हूँ। और मैं आप सभी को बता दूं कि हर मुकाबले के दौरान समिति की ओर से दिया जाता है 2,000 रुपए का नगर पुरस्कार, साथ में दी जाती है एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। और आज के मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है जी हाँ, जर्सी नंबर 0 मिस्टर राहुल जो हमारे आज बेहतरीन उन्होंने खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। अच्छा प्रदर्शन के लिए उन्हें 2,000 रुपए का नगर पुरस्कार और साथ में दी जा रही है एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। जोरदार तालियां और तालियां बजनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर कि जो कैप्टन है, कैप्टन है कुनकुरी छत्तीसगढ़, कैप्टन कैप्टन हमारे पास दो वर्ड्स के लिए आएंगे। सतीश बेहतरीन आपकी टीम खेली, एक गोल दाग करके आपने फर्स्ट हाफ में जगह बना ली थी, एक बढ़त बना ली थी, लेकिन सेकंड मुकाबले में काफी अच्छा खेल रहा था सुंदरगढ़, लेकिन आपने एक और दाग दाग करके इस किताबी भिड़क में फाइनल जीत दर्ज की है। कैसे देखते हैं आज इस बड़े मुकाबले को? सबसे पहले मैं हमारे टीम को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और आज यह सेमीफाइनल मैच जीत गए। और सुंदरगढ़ की टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, वे भी बहुत अच्छा खेले और हालांकि वो स्कोर नहीं कर पाए और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और दर्शकों का आज जो भीड़ था, जो जन सैलाब आपके सेमीफाइनल को देखने के लिए आया हुआ था, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा फाइनल में भी वे इसी तरह सपोर्ट करें, धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, समिति ने जो आयोजन किया है उसमें आपको जो व्यवस्था कराई है उसमें कैसी व्यवस्था आपको प्रोवाइड की गई है? समिति के लिए 2 लाइन जरूर आपसे जानना चाहूंगा सतीश। समिति बहुत अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन की है और बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था दिया है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि इसी तरह टूर्नामेंट का आयोजन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद टीम कैप्टन मिस्टर सतीश और विनिंग टीम कैप्टन कुनकुरी छत्तीसगढ़। आकांक्षाओं पर क्या ये टीम खरी उतरी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कहे कि जब मैच शुरू होने से पहले 2 दिन पहले से मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि अनिल जी आप अपने टीम को चेंज कीजिए, अनिल जी अपने टीम को चेंज कीजिए, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था मेरे बच्चों पे, मेरे लड़कों पे मेरे को फुल विश्वास था। आज सुबह भी मेरे से पूछा गया कि अनिल जी आप कितने खिलाड़ी बाहर से लाए हो? मैं बोला मैं बाहर से किसी को नहीं लाया, मेरे बच्चों के ऊपर मेरे को विश्वास है, वही खेलेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड में मैं बचपन से खेला हूँ, इस ग्राउंड को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और बाहर से जो लोग आएगा पहली बार खेलेगा वो खेल ही नहीं पाएगा इस ग्राउंड पे। और मेरे बच्चे लगातार से मेहनत करते आ रहे थे, खेलते आ रहे थे, इसलिए मेरे को पूरा भरोसा था कि मतलब हम सेमीफाइनल निकाल लेंगे, कोशिश रहेगी कि फाइनल भी हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वर्ड्स के लिए, थैंक यू सो मच। फिलहाल दोस्तों अब इस वीडियो को बंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनली टीम की जीता रही है कुनकुरी की टीम, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो बोल के ना वो तो मुझे लगता निकल गया, तो मैन ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी मिला वो आप लोग को फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, वो सब चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।